करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट का नाम लेते ही सारे किरदार आंखों के सामने आ जाते हैं। फिल्म में गीत बनी करीना जिस लड़के के साथ भागने की तैयारी कर रही होती है वो उन्हें धोखा दे देता है। फिल्म में गीत ने अंशुमन नाम के उस लड़के को फोन पर खूब गालियां दी थी। अंशुमन का रोल प्ले करने वाले तरुण राज अरोड़ा अब अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में नजर आएंगे। जी हाँ, उन्होंने बताया कि लोग उन्हें आज भी अंशुमन कहकर बुलाते हैं और लड़कियाँ मज़ेदार सवाल करती हैं। तरुण ने एक इंटरव्यू में बताया कि गीत को धोखा देने की वजह से लोग भले ही उनसे नफरत करते हों लेकिन उन्हें याद रखा गया, ये ही बहुत बड़ी बात है। फिल्म 2007 में आई थी और इसको 13 साल हो गए हैं, लोग उन्हें आज भी अंशु नाम से बुलाते हैं। तरुण ने बताया, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि आपको गन्ने के खेत देखने के है कि नहीं। फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग में अंशुमन ने गीत को छिड़का था, क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत। कई सारी लड़कियां मुझसे आज भी पूछती हैं कि आपने गीत को धोखा क्यों दिया था। मुझे लगता है कि बहुत दिन हो गए, अब मुझे इस सवाल का जवाब खोज लेना चाहिए। फिल्म मिलने के बारे में तरुण ने बताया कि वो मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे, उन्हें इम्तियाज़ अली का कॉल आया और 20 मिनट में फिल्म साइन कर ली। फिल्म के बाद तरुण ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया था क्योंकि उन्हें अपना हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस जमाना था। अब वो अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब से वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, लक्ष्मी बॉम्ब में भी तरुण ने एक किरदार निभाया है, वो तो आपको लक्ष्मी बॉम्ब देखकर ही पता चलेगा। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूँ कनिष्का शर्मा।